नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गगन और स्वागत है आपका आज की इस न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहली खबर है महिंद्रा की ओर से। महिंद्रा ने अपनी XUV 500 का एक पेट्रोल वेरिएंट लॉन्च करने की सोच रखी है। अभी ये कंफर्म न्यूज नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कई मार्केट्स में महिंद्रा XUV 500 का पेट्रोल वेरियंट जो है वो टेस्ट कर रहा है, तो हो सकता है इंडिया में भी ये पेट्रोल वेरियंट लाया जाए। अगर आता है तो ये होगी एक 2.2 लीटर का पेट्रोल यूनिट, जो कि महिंद्रा ने इससे पहले कहीं भी टेस्ट राइड नहीं किया है और ये शायद पहली बार ही होगा जब महिंद्रा एक पेट्रोल इंजन के साथ में एक मार्केट में बड़ा टेस्ट करने जा रहा है। और अगर ये पेट्रोल इंजन आता भी है तो हमें ये भी उम्मीद है कि सेम इंजन या थोड़ा सा डाउन साइज इंजन जो है वो स्कॉर्पियो के साथ भी दे दिया जाएगा। तो यानी कि अब स्कॉर्पियो और महिंद्रा 500 XUV 500 दोनों की दोनों जो है वो आने वाली है पेट्रोल इंजन में भी। उसके बाद अगली खबर है जो कि बहुत सारे लोगों को शायद तनाव में ला सकती है, वो ये कि लग्जरी कार्स पे जो GST के कारण टैक्सेस कम हुए थे, जो सेस कम हुआ था, वो सेस गवर्नमेंट वापस बढ़ाने का प्लान कर रही है। अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने इस चीज को एक अप्रूवल सा दे दिया है लेकिन अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। हो सकता है इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन हाँ अभी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो जितना जो टैक्स लग्जरी कार्स वगैरह एंजॉय कर रहे थे कम होने का, जो कस्टमर्स को पास हुआ था, जो BMW ऑडी जो को 10-10 लाख रुपए सस्ती हुई थी, तो दोस्तों वो हो जाएगी वापस महंगी। तो जल्दी से खरीद लीजिए अगर आपको खरीदनी है तो, वरना बाद में भैया स्ट्रेस जो है आपको वापस देना पड़ेगा। अगली खबर है ह्यूंडई से। ह्यूंडई अपना ध्यान जो है अब माइल्ड हाइब्रिड कार से हटा के पूरा ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे लगाने जा रही है। इसका कारण यह है कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली माइल्ड हाइब्रिड कार पे जो टैक्सेशन सिस्टम है उसको बढ़ा दिया था, उसको लग्जरी कार की कैटेगरी में डाल दिया था, और जिसके कारण प्राइजेस जो है जैसे कि एर्टिगा SHVS वाली जितनी जो भी कार है सियाज, इनकी प्राइजेस बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई थी प्राइजेस। और यही वजह है कि अब कार मैन्युफैक्चरर्स जो है वो कहीं ना कहीं माइल्ड हाइब्रिड से कतरा रहे हैं। गवर्नमेंट के प्लान्स एक्जैक्टली यही थे। गवर्नमेंट का कहना था कि अगर माइल हाइब्रिड कार्स इनका फोकस हटाया जाएगा तो ही कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है वो बढ़ेगी ऑल इलेक्ट्रिक कार की तरफ, और ऑल इलेक्ट्रिक कार जो है उनपे सबसे कम टैक्स लगता है। लेकिन अभी तक सिर्फ महिंद्रा ही एक ऑल इलेक्ट्रिक कार बना रही है, तो ऐसा होने के बाद ऑल इलेक्ट्रिक कार जो है उस पर फोकस लोगों का ज्यादा बढ़ेगा। उसके बाद अगली खबर बड़ी अजीब है। मारुति सुजुकी अल्टो का जो न्यू वेरियंट आएगा, यानी कि 2018-2019 में जो भी आएगा, हो सकता है वो एक छोटे इंजन के साथ में आए, यानी कि 800cc का तो ऑलरेडी आ रहा था, हो सकता है वो 660 या 650cc के इंजन के साथ आए। हालांकि कम सीसी का मतलब ये नहीं कि पावर कम होगी। मारुति जो है ऑलरेडी एक ऐसे इंजन बनाने की प्लानिंग में है जहां पे एक 660cc के इंजन के आसपास जो भी इंजन हो उसकी पावर ज्यादा हो और वो माइलेज भी ज्यादा दे, और हो सकता है ये मारुति की सबसे लीस्ट कॉस्ट वाली ऑफरिंग जो है यानी कि अल्टो उसमें आए। और ये अगर आ जाता है और ढंग की पावर के साथ आता है तो बिल्कुल भैया ये धमाल मचा देगा। जो मार्केट क्विड और इयॉन ने हथिया लिया था अल्टो से, वो शायद उसे वापस रीगेन करने में हेल्प मिले। उसके बाद अगले खबर फिर से है महिंद्रा से। महिंद्रा ने लॉन्च किया है जीवो नाम का एक छोटा ट्रैक्टर जो कि लगभग 24 हॉर्स पावर की पावर देगा और ये 4-व्हील ड्राइव का होगा। तो ये उन किसानों के लिए काम का है जो कि छोटे मोटे लेवल पर कृषि करना चाहते हैं या कोई छोटी मोटी फसल जैसे हॉर्टिकल्चर वगैरह के काम में लेना चाहते हैं। तो अगर आप किसान हैं जो कि हॉर्टिकल्चर वगैरह में इंटरेस्ट लेते हैं तो महिंद्रा का जीवो खरीद सकते हैं, आपके लिए अवेलेबल है, लॉन्च हो गया है। फिर खबर है फोर्ड से। फोर्ड जो है वो प्लानिंग कर रहा है i20 और बलेनो जैसी प्रीमियम हैचबैक्स के सामने एक कार खड़ी करने की। तो अभी ये प्लानिंग चल रही है, अभी कोई फिक्स पता नहीं है कि कौन सी कार कैसी कार आएगी, सिर्फ इंडिया के लिए फोर्ड स्पेसिफिकली कार डेवलप करेगा वगैरह वगैरह ऐसी कुछ चीज़ नहीं पता है, लेकिन हाँ फोर्ड प्लान कर रहा है। वैसे फोर्ड को मैं कहना चाहूंगा कि आप उसको प्लानिंग करें उससे पहले अपनी ऑलरेडी जो फिगो और एस्पायर चल रही उसको थोड़ा अपडेट करें। इंफोटेनमेंट सिस्टम के नाम पे वहाँ पे कुछ अवेलेबल नहीं है, तो बेटर है कि एक रिवर्स पार्किंग कैमरा या पार्किंग सेंसर वगैरह तो लगा के दीजिए, साथ ही इंफोटेनमेंट सिस्टम को भी बेटर बनाइए। उसके बाद अगली खबर है निसान से। निसान ने लॉन्च किया निसान कनेक्ट ऐप, और निसान कनेक्ट ऐप जो है वो होंडा कनेक्ट जैसी ऐप होगी और ये आपके कार के कई सारे फीचर्स को उस ऐप के माध्यम से आप देख पाएंगे। इसे प्रैक्टिकली मैं टेस्ट कर लूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप इसे एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि निसान कनेक्ट या जैसी एप्लीकेशन को आप टेस्ट करके उन पर वीडियो बनाइए। फिलहाल दोस्तों इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। आज होगा इंस्टाग्राम पे एक लाइव सेशन छोटा सा 9:30-10 बजे के बाद में, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की आईडी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दी है, उस पर जाके आप इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं लाइव सेशन को। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।